निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और NEET की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। कॉलेज अपने आप में एक ब्रांड है जो शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाता है कि वह इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में सभी जगह जीते। न्यू एडमिशन्स के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जिला आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, जहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर यहाँ पर बड़ी तादाद में कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया है। परिचय देते हुए प्रणाम। मैं कफील अहमद खान, विधानसभा मेहनगर का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली है, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी के निर्देशा पे जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली, और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद साहब का, जिला अध्यक्ष हकीम बेग साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का विधानसभा अध्यक्ष मेहनगर बनाए हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद से, पूरी मेहनत से इस कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। जी, इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो न जितने हमारे युवाओं नौजवान हैं, उनकी उनको अनावश्यक तरीके से जो है परेशान करना और दीगर तमाम चीज़ें हैं, जिसकी हम लोग लड़ाई माननीय जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 2024 का चुनाव भी है। क्या लग रहा है कि युवाओं का मुद्दा है, रोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है? देखें, आजमगढ़ एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ हमेशा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और ये रहेगा, और हम दो के दोनों सीट पूरी तरीके से जो है निकालेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद। अपना परिचय दीजिए। मैं नगर विधानसभा से आता हूँ, अंसार खान। मैं नगर विधानसभा का सचिव नियुक्त हुआ हूँ। मैं नगर क्या कहना है, जो जिम्मेदारी मिली है पार्टी को उसको बखूबी निभाया जाएगा इंशाल्लाह। पहले भी निभाया गया है, अब पद मिल गया है तो जिम्मेदारी बढ़ गई है, उस जिम्मेदारी को निभाया जाएगा और पार्टी को इस बार जिताया जाएगा भारी मतों से, क्योंकि पार्टी हमारी 200 विधानसभा जीती है, थोड़े से मिस्टेक से एक लोकसभा हम लोग हार गए। जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सारी चीज़ें आजकल देख रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, तो बेरोजगार यही है कि 45,000-60,000 के पद पर 90,00,000 जो है अभ्यर्थी भर्ती हो रहे हैं। इसे अंदाजा लगा लीजिए कितना रोजगार है, वो भी निरस्त हो गई भर्ती। अभी हाल ही में देख लीजिए, 60,000 की भर्ती थी, 90,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, बहुत ज़्यादा है जनता के ऊपर। इस बार लोकसभा की 80 सीटें हम लोग उत्तर प्रदेश से जीतेंगे। इस चीज का बच्चों के ये विकास नहीं होता, कला दिखा के विकास नहीं होता है, और किस तरीके से निरोजी जीते हैं आप लोगों ने देखा होगा, और वो बस किस्मत थी उनकी जीत गई, लेकिन इस बार जीत नहीं रहे हम लोग। इस बार 2.5 लाख वोट से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में कितनी निकलेंगी? उत्तर प्रदेश में 80 मान के चलिए, 80 अगर संघर्ष 80 नहीं तो 50 के पार ही। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।